हेलो एवरीवन, देखती आंखों सुनते गानों को मलिक का सलाम। दिस इज मी मलिक तनवीर फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बट राइट नाउ आई एम इन पंजाब। पंजाब आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें बताया था कि मैंने कैटल फार्म की जगह ले ली है और बहुत जल्द मैं वहाँ पे काम शुरू करवाऊँगा। मेरा पंजाब आना हो चुका है, अर्जेंट मैं पंजाब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे अपने कज़न है जो यहाँ पर डेयरी फार्म में काम कर रहे हैं, यानी जानवर लेते हैं, दो चार महीने छः महीने बाद ले कर फिर सेल कर देते हैं प्रॉफिट रख के। तो मेरा कज़न है एक का अभी फार्म बनने वाला है, वो पहले आपको दिखाऊंगा, पहले उसकी जगह विजिट करूंगा, कितना बड़ा एरिया है और कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, उसके बाद फिर जाऊंगा सेकंड लोकेशन के ऊपर। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इस वीडियो में हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शौक रखते हैं या आप आगे जाके प्लान है आपका कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। मैं बताऊँगा कि मेरा कज़न कितने का जानवर परचेस करता है, कितने मंथ होल्ड करता है और कितने का सेल करता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कहाँ सेल करता है और खाने में क्या क्या खिलाता है, वंडा खिलाता है, चारा खिलाता है और क्या क्या खिलाता है, तो ये सब इस वीडियो में मिलेगा आपको। मेरे साथ जुड़ रही है, आए फिर चलते हैं अपने कज़न के डेयरी फार्म पे। ये है वो सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा था अपने कज़न की, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर डेयरी फार्म लगा रहे हैं, वो देख रहे हो बाउंड्री वॉल, वो चार दीवार ये, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक। अभी फ़िलहाल काम जारी, सामान पड़ा हुआ है, वो पड़े हुए हैं, वो बाँस वाँस आए हुए हैं और ये देखो सारा सामान, ये शेड वेड लगाएंगे और इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, देखो सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं। अभी काम जारी है, अभी फ़िलहाल शुरू हुआ है, अभी तकरीबन एक दो महीने लग जाएंगे ख़त्म होने में। ये देखो यहाँ पर सोलर प्लेट्स का निज़ाम बहुत अच्छा है, ये देखो ऑलमोस्ट सब लोगों ने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, देखें ये सारी की सारी सोलर पैनल प्लेट्स हैं। बहुत बड़ा बन रहा है यार, वो वहाँ से लेके ये यूँ आ रही है और फिर देखेंगे मेन गेट लगाया हुआ है बड़ा वाला और फिर यहाँ से यूँ जा रहा है, ये सारा सोलर प्लेट्स इसकी लगी हुई है इनकी, ये नीचे से वायरिंग जा रही है देख रहे हैं और फिर ये वहाँ के लिए। ये देखो भाई, ये उन्होंने बनाया हुआ है पूल, स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है जिसके अंदर इंसान नहीं नहाएंगे, सिर्फ जानवर नहाएंगे। ये देख रहे हैं जानवरों के लिए रैंप बनाया इन्होंने यहाँ अंदर खुले में, कह रहे हैं जानवरों को रस्सी भी नहीं बांधते ना, खुले में नहलाओगे तो वो उनका साइज़ बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये देखिए पाइप लगा हुआ है, ये सोलर प्लेट से ये मशीन चल रही है और ये पानी फ्रेश पानी आता है, ये देखो अब ये पूरा भरा जा रहा है, सफाई वफाई होगी फुल साफ, फिर यहाँ से जानवर नहलाएंगे, कुछ शेड वहाँ लगाएंगे और कुछ वहाँ लगाएंगे। ये सारा का जो है ना, जितना भी आप देख रहे हो सारा डेयरी फार्म है। हाँ जी, तो ये जो फार्म था ये था मलिक आसिम का, आपने उनका डेयरी फार्म विज़िट किया। खैर ये भी काम चल रहा है, अभी एक आदमी लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। और अभी मैं जा रहा हूँ एक और सेकंड प्लेस के ऊपर, वो मेरा कज़न है जो दो तीन सालों से यही काम कर रहा है, उसने अभी रिसेंटली जानवर सारे के सारे सेल कर दिए थे बकरा ईद पर और अभी कह रहे वो नया जानवर लाया है, तकरीबन 10-12 जानवर है। तो आए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनके जानवर दिखाता हूँ, फिर बाकी बातें उनसे करेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है, फिर प्राइसेस बताऊंगा कि उन्होंने कितने में लिया, कितना टाइम रुकेंगे और उसके बाद कब जानवर सेल करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा, अभी कॉस्ट क्या है, ये बाद में कितने का सेल करेंगे, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा। दो तीन साल हो गए उन्हें, वो कह रहे हैं कि नाउ आई एम फाइन, अब कुछ बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस भी हो गया उन्हें काफ़ी चीज़ों का, तो वो इस वजह से उनकी जगह दिखाता हूँ, उनका फार्म दिखाता हूँ, उनके जानवर दिखाता हूँ, फिर बाकी मज़ीद बातें उनसे करेंगे। और बाकी अगर आपने कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगा। ये देखो ये वो जगह मैं जिसकी बात कर रहा था, ये चेक करो, जो तो मैं इनका स्विमिंग पूल विजिट करवाता हूँ। ये देखो ये उनका वही दुआ ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से उधर के नीचे नहा रहे होते हैं, वो उनका बोरिंग लगा हुआ है, वो सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, और रात दिन चलता रहता है ये, सनलाइट की रोशनी में ये बोरिंग चलता रहता है, फ्रेश पानी नहाते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं ये। चलो भाई मैं एंटर हो चुका हूँ डेयरी फार्म के अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के जानवर बिल्कुल मेरे सामने खाने में। कराची वाले तो वैसे पसंद करते हैं बछिया बैल और ये, लेकिन ये पंजाब में जो है उसका रिवाज नहीं है, देख लो पीछे कट्टे मट्टे कहा जाता है इनको, तो कट्टों का रिवाज है। आप तकरीबन 90% जो देखेंगे पंजाब में वो आपको ऐसे जानवर मिलेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि यार हम पूरा पूरा साल वेट नहीं कर सकते, तो साल में 2 बार या 3 बार चेंज कर चुके होते हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं
अभी फिलहाल मैं काउंटिंग करके बताऊंगा कितना है। ये कह रहे हैं अभी लेकर आया मैं, हार्डली कोई एक हफ्ता हुआ होगा, ये जितने भी खड़े हैं सब, पहले तकरीबन 22-25 जानवर थे उन्होंने वो सेल कर दिए हैं, और अभी एक वीक पहले जाके ये लेकर आए। कह रहा मैं इनको हार्डली 2 से 4 महीने रखूँगा, उसके बाद से इन सबको सेल आउट कर दूँगा, अच्छा मार्जिन आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनको सेल आउट कर दूँगा। अभी मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा आज थोड़ा बताओ, तो वो आएगा मैं बताएगा कि एक्चुअल में कितने का ये पड़ेगा अभी, और 2 या 4 महीने तक जितना होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने के बाद कितने का सेल आउट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बातें करते हैं। चलो आप तो यार ये हैं वो भाई, ठीक है, मेरा कज़न है एक्चुअल में, ये बच्चा है हमारा, तो ये सब टेक केयर ये करता है, इन सबको देखभाल ये करता है, आए मैं इससे मिलवाता हूँ, बाकी बातें करते हैं। इनके वाले साहब थे नहीं तो मैंने बोला बेटा तुम ही आ जाओ, तुमसे ही गपशप लगा लेते हैं। क्या हाल है, ठीक ठाक मजे में भाई? आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बताओ, ये कराची में जो है ना, हम देखते हैं बछिया गाय बैल मतलब कलरफुल जो होते हैं, तो वो तो समझ जाते हैं, ये ब्लैक ब्लैक इसको क्या कहा जाता है? उर्दू में नाम इसको कट्टे बोला करते हैं, कट्टे बोला करते हैं इसको। अच्छा, तो इस सारे जितने में कट्टे खड़े हैं ये 15-20 दिन हो गए, पहले हमने कुर्बानी के जानवर लिए उनको फिर बेचा, अभी तकरीबन 15-20 दिन हो गए, अभी लिए हैं तकरीबन ये 10-12 हैं, अभी खरीद रहे हैं। खरीद कितने लिए हैं अभी? अभी कितने लिए हैं? अभी तकरीबन 10 हैं, खरीदारी जारी है। अच्छा, अभी 10 ले लिए हैं आपने, खरीदारी जारी और मजीद और खरीदोगे, और कितने खरीदोगे आप? तकरीबन 30-40 का टारगेट तो है हमारा। वाओ, 30-40 जी, तो ये इतनी सी स्पेस पे आ जाते हैं 30-40 ये सारे? बहुत जगह ये देखें, ये देखो भाई इनको कट्टे कहा जाता है। तो फिलहाल कह रहे हैं अभी ये परचेजिंग की है, अभी और भी परचेजिंग करेंगे, औसता एक दो दिन में या एक वीक तक कह रहे हैं और परचेज करेंगे। अच्छा ये हाँ, तकरीबन पिछली बार आप आए थे ना, हमने देखा हाँ, तकरीबन 35-40 जानवर पिछले बार भी थे ना। हाँ बिल्कुल, आ जाते हैं 40 से 45 पीस ही आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ये तुमने ले लिए, कितने टाइम बाद सेल करोगे? 4 से 5 महीने बस, 4 से 5 महीने में बिल्कुल माशाल्लाह शेर बन जाते हैं ये। हैं 4 से 5 महीने सेल कर दोगे? अच्छा अभी जो ये खड़े हैं इन कंडीशन में, इन हालत में जी, तो कितने का पड़ा है? एक तुम्हें कितने का मिलता है अंदाजन? यार मेरे हिसाब कोई रफली आइडिया क्या है, मतलब मुख्तलिफ रेट है लेकिन अगर बराबर करें तो तकरीबन 45 से 50 हज़ार के रुपया लुधियाना है ये अभी तुम्हें पड़ा है जी। यानी 50,000 लगा लो, 50,000 रुपये का तुम्हें ये एक जानवर पड़ा है जी, ठीक है ऐसे ही ना ये 50,000 रुपये का? तो 60 का भी लिया है, 55 का लिया है, 40 का लिया है, अगर बराबर करें तो फिर 45 से 50 के दरमियान हमें पढ़ाइए। चलो ठीक है, 50 का आपने लिया जी, 4 महीने और 5 महीने वेट किया, खिलाया पिलाया शेर बनाया, 10-15 हज़ार का ये एक जानवर खा भी जाएगा तकरीबन, खा जाएगा 4-5 महीनों में तकरीबन हो जाएगा ये 60,000 रुपये, 60,000 रुपये तक। तो फिर से फिर ये बिकेगा 1.5 लाख का, 1,40,000 का, 30,000 का, ऐसे नहीं बिकेगा यार, बिक जाएगा माशाल्लाह भाई, हमारा तजर्बा है ये। अच्छा अबे तुमने सुना, पीछे खड़े हैं मैं कह रहे हैं परचेजिंग में से कोई 50 की है, कोई 55 की, कोई 60 की, अलग अलग प्राइस होते हैं, बट एक एस्टीमेट निकाला है कि सपोज हमने 50,000 का एक जानवर लिया, 15,000 रुपये लगाएंगे इसको हम 3-4 महीने के अंदर अंदर एक ही जानवर पर, तो हार्डली कोई 65-70 तक, ऑलमोस्ट लगा लो 70,000 तक एक जानवर बढ़ जाएगा, 4 महीने की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 70,000 में तैयार, और जब वो बिकेगा तो 1+ का बिकेगा वो, नसीब है एक 30 का बिक जाए, एक 20 का बिक जाए, 1.5 का भी बिक जाए, नसीब है ये ना बिजनेस। देखो तुम लड़के हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो बिजनेस तुम्हारे सामने है, अभी 10 हैं ये, जिस जानवर की ये ना जिल्द है ये देखें, जानवर जितनी जल्द अच्छी होगी वो उतना ही जल्दी इजाफा करेगा, बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा पैसे देगा हमें। तो पता कैसे लगेगा कि इसकी स्किन में और इसकी स्किन में क्या फ़र्क है? स्किन में ये फ़र्क है, जिसकी स्किन ना थोड़ी मुलायम हो, नरम हो, हाँ। वो जल्दी से इजाफा करता है, जल्दी से ग्रोथ करता है। सही है, जिसकी स्किन थोड़ी सी ना सख्त हो, हाँ। वो ग्रोथ थोड़ी सा देर में करता है, तकरीबन ये देख लें कि इसको 4 महीने लगेंगे, अगर ये 1.5 का बिक रहा है इसको लगेंगे 5 महीने या 4.5 महीने लग जाएंगे। अच्छा, ये देख लेंगे इसके 10-15 दिन ना इजाफी लग जाएंगे, ये फ़र्क है इनके जिल्द में। अच्छा मुझे बताओ जी, खिलाए तुमने 4 महीने, तुम खिलाते हो जी, तो जो हरा वरा पड़ा हुआ है सिर्फ ये हरा खिलाते हो या वनडे में क्या क्या खिलाते हो? शाम को सिर्फ हम घास डालते हैं, सुबह हम तकरीबन खल भी डालते हैं, चोकर डालते हैं, वंडा डालते हैं, 3-4 खुराकें हैं इनकी। अच्छा, थोड़ी है 4 महीने में ऐसे थोड़ी तैयार होते हैं ये। क्या बात है यार, आओ मैं तुम्हें जाना विजिट कराता हूँ, तुम देखो माशाल्लाह से, ये देखो ये कह रहे हैं सिर्फ शाम में खिलाते हैं ऐसे ही ना जी, ये हरा शाम में खिलाते हो? हरा घास जो है सिर्फ शाम को डालते हैं, बाकी चोकर और वंडा वंडा कब खिलाते हो? खाल चोकर ये सुबह की खुराक है इनकी, वो थोड़े टुकड़े शुकड़े भी डाल देते। अच्छा माशाल्लाह भाई, तो अभी ये 10 खड़े हुए हैं ना, मैंने काउंट किया 10 है ना अभी, 10-11 है अभी, खरीदारी शुरू है ना
अच्छा अभी हाँ बकरा ईद अभी गई है ना, तो अभी इस वजह से अभी खरीदारी शुरू है, अभी खरीदारी शुरू है माशाल्लाह। भाई कह रहे हैं 10 लिए हुए हैं और 10-15-20 और बढ़ा देंगे हम, तो 30-35 टोटल हो जाएंगे, 30-35 हो जाएंगे, तो 30-35 हो जाएंगे। 30-35 को इनका जो बता रहे हैं यानी नवंबर दिसंबर तक कह रहे हैं हम इनको क्लियरेंस पे भेज देंगे, फिर दिसंबर के बाद दोबारा नया माल लेकर आएंगे। ऐसा ही है भाई, ये देखो कि अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जानवर वो अंदर ले गए, वो घर के अंदर बंधे हुए हैं। और ठीक है, वैसे दिन में ये यहाँ बांधते हैं ना भाई? जी जी, तकरीबन सुबह से तकरीबन 12 बजे तक इधर होते हैं। हाँ, 12 बजे के बाद इनको हम चारा डालते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। कह रहे हैं सुबह 12 बजे तक इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं हम लोग, 12 बजे के बाद फिर चारा डालना होता है, वनडे का सीन होता है, पानी खिलाई पिलाई, फिर वो उन्होंने वो गेट लगाया हुआ है वहाँ से फिर वो अंदर ले जाते हैं। बाकी तो आपने देखा वो कहाँ खड़े हुए हैं, कैसे खा रहे हैं, तो ये सीन, ये तुमने बड़ा अच्छा किया हुआ है, खुला माहौल भी दिया हुआ है भाई, मुझे तो बड़ा पसंद आया कि यहाँ आए सकून से घूमें फिरें। लेकिन यार बात, जब ये 30-35 जानवर हो जाएंगे तो इतनी सी जगह पे कवर हो जाएगा? नहीं भाई, तकरीबन जब हमारे पास 40-45 जानवर थे ना, हाँ हमने जगह थोड़ी थी ना बढ़ाई हुई थी, तकरीबन ये आपको ना ये आ रहा है ना जगह तकरीबन इस साइड पर थी। अच्छा, हमने थोड़ा क्लोज कर लिया, अभी जानवर अभी जैसे ही बढ़ जाएंगे फिर हमने जगह भी थोड़ी बढ़ा। अच्छा भाई कह रहा है कि अगर जानवर अभी जो है हमारे पास, हमने इतना किया हुआ है, अब लेट सपोज के 30-35-40 जानवर हो जाते हैं हमारे पास, बढ़ जाते हैं जानवर, तो हम ये जगह निकाल के इसको और स्पेस को बड़ा करके वहाँ तक ले जाते हैं और ये पूरा जो है ना कवर करके वहाँ तक जा रहा होता है, तो इसके अंदर सुबह वो टहल रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, फिर 12 बजे के बाद गर्मी का माहौल बढ़ जाता है तो उसको गेट से अंदर ले जाते हैं उसको। क्या बात है यार। हाँ तो लड़को शौकीनों, तुमने सुना सीन क्या है, तुमने सुन लिया कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, तुमने सब जगह भी देख ली यहाँ पर, और अभी तो ये थोड़ा सा मतलब लोअर उस पर कर रहे हैं, कह रहे हैं यार हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, 50-60-70 हज़ार रुपये का जानवर ख़रीदते हैं, 1,20,000-1,30,000 का भेज देते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं 4-5 महीनों में। लेकिन ये याद रखिएगा ये कट्टा कहलाता है, कट्टा माल है। मैंने पूछा कि यार आप कुर्बानी वाली ईद तक क्यों नहीं रोकते, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? कह रहे यार नहीं, मैंने शुरू में रोका था तो जो प्रॉफिट मुझे अभी मिला उस टाइम भी मुझे यही मिला था, तो मैंने 9 महीने इंतज़ार किया, 9 महीने बाद मुझे वही सेम प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कह रहा मेरा टारगेट होता है कि मैं साल में 3 बार माल चेंज करूं, यानी हर कोई 4-5 महीने बाद मैं नया माल लाता रहूँ, इसको बेचता रहूँ, तो मुझे 30,000-40,000 तक प्रॉफिट हो जाता है एक जानवर से। तो इसका टारगेट यही है कि 30 जानवर रखूँ, 40 जानवर रखूँ, उसके बाद फिर 4-5 महीने बाद मैं इसको सेल आउट करूँ, फिर नया चीज़ें लेकर आ जाऊँ, क्योंकि ये कट्टो है जिसको कट्टा कहा जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कुर्बानी का वेट हो, लोग गोश्त लेते हैं, ये माल बाहर भी गोश्त जाता है पाकिस्तान से, आपको पता है पाकिस्तान मीट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है क्योंकि पाकिस्तान सप्लायर है, तो बाहर गोश्त जाता है, तो इस वजह से प्रॉफिट होता है। अब आप देख लो क्या है, क्या सीन है, कुछ और पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो भाई, कमेंटस बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरा ख़ुद का आपको पता है शौक हो रहा था, लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी कि कैटल फार्म में जगह ले ली है, कैटल फार्म खोलने का सीन कराची में हो रहा है, लेकिन वो कैटल फार्म है, ये कैटल फार्म नहीं है, डेयरी फार्म है, दोनों में फ़र्क है। ये कहते हैं कि कैटल आसान है एज़ कम्पेयर टू डेयरी, ये यानी जो जानवर देख रहे हैं कट्टे, कह रहे हैं ये थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन वो आसान होता है। अब अल्लाह जानता है क्या सच है क्या नहीं है। चलो रखता हूँ यार, गर्मी बहुत हो गई है, फिर मिलूँगा नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, नए दिन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पंजाब आया हुआ तुम्हारा भाई इंजॉय कर रहा है, तो अल्लाह हाफिज़।